को आई थी थोड़ी देर शीट उठाने। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? तो आज धूप काफ़ी अच्छी है और मौसम तो बरस नहीं रहा, जिस चीज़ की हमको ज़रूरत है ऑर्चिडिस्ट को, किसानों को। तो अभी बस खेत की ओर आई थी मैं और कटिंग्स हो रही हैं, प्रूनिंग कर रहे हैं, तो उसकी कटिंग्स उठाने के लिए। ये देखो मैं कहाँ कहाँ से उतर रही हूँ और मैं चप्पल ही पहन के आई हूँ। आज इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मैं चप्पल पहन के आई हूँ और मैंने कार्डिगन भी नहीं पहनी है। कल मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी तो सो रही थी, आज ठीक हूँ तो थोड़ी देर खेत के लिए आई थी। अब जा रही हूँ घर क्योंकि खाना बनाना है, दाल बनी हुई थी, चावल चपाती बनाने हैं, लंच का टाइम हो गया और उसके बाद आएंगे दोबारा से घर, सॉरी उसके बाद आएंगे दोबारा से खेत और करेंगे अपना काम कंटिन्यू। क्योंकि यार बाहर आकर अपने खेतों में काम करके ना काफ़ी अच्छा लगता है, रिफ्रेशिंग लगता है। तो बस जी चलते हैं, हाय थक गई यार। वैसे तो पहुंच गई हूँ मैं घर के बाहर ही, घर के पास ही। पापा और अवतारू पहले चले गए, उनको भी भूख लग रही होगी, पापा आए हैं आजकल तो भागते हैं फटाफट से। देख सकते हैं आप पूरा आसमान साफ है, एक भी बादल नहीं है देखने के लिए भी, और क्या सूर्य देवता तपते हुए। और मैंने सुना है नीचे का जो एरिया है, नीचे के एरिया जैसे चंडीगढ़, मतलब शिमला से नीचे का एरिया जो है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है, फॉग काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ देखो आप, यहाँ पर बहुत ही मुश्किल है। छत के ऊपर निकाले मैंने बिस्तर धूप में लगने के लिए, विंटर्स में ना धूप लगती है बिस्तरों में, मतलब आपकी काफ़ी ज़्यादा रात के लिए अच्छा रहता है। और अभी ना मैं और विकी खेत को आए हैं और हम लगे हुए हैं स्प्रे करने, मतलब मेरा काम तो ड्रम के पास है, विकी लगे हुए हैं स्प्रे करने। और आज इतनी ठंड नहीं थी दिन को, बट शाम को थोड़ी बहुत है, तो यहाँ रह गई थी हमारी स्टोर के पास स्प्रे करने के लिए। और फिर और ये कर रहे हैं कास्टिक सोडा, क्योंकि ठंड हो गई है, टेम्परेचर मेंटेन्ड है, तो कास्टिक सोडा भी कर सकते हैं। हम भी काफ़ी दिन से सोच रहे थे, पीछे काफ़ी गर्मी हो गई थी पर अभी टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो गया है। और आज विकी ने न्यू अपने लिए अपनी गन भी ले ली है, गन वाली जो नोज़ल होती है, काफ़ी टाइम से इनकी जो पुरानी नोज़ल थी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी इनके लिए, तो आज जाकर इन्होंने ली है, वो लीक भी कर रही थी, तो ये काफ़ी लाइट वेट भी है और इनको काफ़ी इसका फ़ायदा भी हो रहा है। तो ये देखो मैं ना पूरी कवर्ड हुई हूँ क्योंकि यार ये बहुत स्ट्रांग होता है ये कास्टिक सोडा, और इससे ना आपके हाथ वगैरह भी जल जाते हैं। तो जो हमारे ऑर्चिडिस्ट भाई होंगे जो स्प्रे करते होंगे अपने बगीचों में, उनको पता होगा कि कितनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, आपकी फ्लश की ब्लॉकेज तक ये खोल देता है और इसकी स्मेल भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो मैंने तो अपनी प्रोटेक्शन ली हुई है, हाथ में मैंने ग्लव्स नहीं पहने हुए क्योंकि मैंने उसको मिक्स नहीं किया, और विकी को इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी पर आज उन्होंने ग्लव्स नहीं डाले क्योंकि उनकी नोज़ल ना लीक नहीं कर रही है, पर उन्होंने भी ग्लव्स डाले थे कल परसों तक और उनके हाथ में पूरे क्रैक्स हो गए हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो मेरा काम है ये मिक्सिंग करने का, ये देखो ये बिल्कुल दिखता है ऐसे ट्रांसपेरेंट है पर होता काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। और क्या, और अब देखो सनसेट का टाइम हो गया है, धूप देखो कितनी जा चुकी है, थोड़ा सा रह गया सूरज जाने के लिए, तो अब ठंड भी हो गई है, जाते हैं थोड़ी देर में घर। तो ये वाला जो स्टोर के साथ वाला ये एरिया है जहाँ पे कर दी थी इन्होंने और आज यहाँ रह गई थी ये वाली एरिया में ना, और सारे जो पैकेट्स है वो इन्होंने एक क्रेट में रखे हैं क्योंकि इसको करेंगे हम डिस्पोज या फिर बर्न कर देंगे। और ये देखो कलाकारी, मतलब पहाड़ियों की ये अच्छी बात होती है कि हर चीज़ पर अपना नाम लिख दो, अगर सुई भी होगी ना
उस पर भी अपना नाम लिख देंगे, पर कहाँ लिखना पड़ता है, फिर चीज़ें गुम भी हो जाती है। तो तो अपना काम ही दिखता है, मर गई। हेलो ऑल, कैसी हो आप सब लोग। अच्छा अभी ना मैं जा रही हूँ चाय लेके, ये हो गया है टी टाइम और मैं जा रही हूँ, हमारे प्रूनर्स स्टार्ट हो चुके हैं तो उनके लिए मैं चाय लेके जा रही हूँ। और जो ये खेत है ये थोड़ा सा दूर है, अभी तक मैं ना कपड़े धो रही थी। आप लोग बोलेंगे जब भी देखो कपड़े 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 बोलती रहती है, यार क्या करूँ, विंटर्स के कपड़े आपको होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अभी ना कुछ दिनों के बाद हमारे घर पे एक पूजन है, अब पर्सनल पूजन है वो, मतलब घर पर ही है, हवन करने हैं हमने, सॉरी जप करने हैं हमने। तो उसके लिए साफ़ सफाई करना ज़रूरी है, तो अब मेरे पास टाइम भी बहुत कम रह गया। तो आजकल आपको पता है दिन भी बहुत कम होते हैं, तो मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा थोड़ा अपना काम साथ साथ करती रहूँ। एक्चुअली आजकल प्रूनर्स भी आ गए हैं तो खेत भी जाना पड़ता है, मतलब मम्मा और विक्की खेत होते हैं, और पापा का तो आपको पता है कि वो शिमला में होते हैं, वो ड्यूटी करते हैं अपनी, और मैं खेत ज़्यादा जा नहीं सकती क्योंकि अवतारू भी है साथ में। और ये है कि अवतारू को भी लेके जा सकते हैं पर वो नॉटी शरारती बहुत ज़्यादा है, तो अभी दिन को जो होता है टाइम वो होता है उसके सोने का, इसलिए मुझे घर पर ही रुकना पड़ता है। तो मैं अपने कपड़े धो रही थी और अब धूप भी जाने वाली है, मतलब बेड वगैरह धो रही थी, इसकी वजह से मुझको कुछ आवाज़ है, तो इसकी वजह से ना थोड़ा सा ठंड की वजह से थोड़ा धूप में धोना पड़ता है, और जल्दी भी धो रही हूँ। तो बस यही फ़िलहाल, तो अभी जाते हैं और नीचे जाके देखते हैं प्रूनर्स ने कितना किया। विक्की की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो वो, उन्होंने बोला कि अभी तू चली जा, मैं यहीं रहता हूँ अवतारू के पास, इसलिए मैं अभी आ पाई हूँ। तो जी फाइनली मैं ना पहुँच गई हूँ अपने खेत में, और आगे आपको ना दिखेंगे हमारे जो प्रूनर भैया लोग हैं वो अपनी प्रूनिंग कर रहे हैं। और यहाँ देखो हमने ना यहाँ पर पहले साफ़ कर दी थी ये लीव्स वगैरह, तो बीच का जो एरिया है वो सारा साफ है और सारी लीव्स हमने यहाँ पर डाल दी थी। अब क्या होगा, अब जो भी हमारी प्रूनिंग के लकड़ियाँ होगी वो हम आराम से उठा सकते हैं। चाय आ गई भैया, ये ना। तो अब ना मैंने उनकी चाय वगैरह देखी, मैं अब वापस चली हूँ क्योंकि मेरे पास रुकने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और घर पे अवतारू भी कहीं उठना जाए उसके भी उठने का टाइम होगा। तो ये लोग अपना काम कर रहे हैं और इन्होंने बोला कि आप रख दो हम पी लेंगे, तो अब मैं वापस चल पड़ी हूँ। ये देखो सनसेट होने वाला है, कहाँ गया, ये देखो सनसेट होने वाला है, तो कितना ही टाइम होता है। और ये खेत ना दूर है, मतलब चढ़ाई लगती है यार, सांस चढ़ता है। कितने खेत हैं हमारे, 3 खेत हमारे दूर हैं बस, बाकी सारे एक साथ हैं, तो बाकी जगह जाने में नहीं इतनी प्रॉब्लम आती। यहाँ का ये है कि यहाँ नीचे को रोड है, तो सीज़न के टाइम हम नीचे को निकाल देते हैं अपने बॉक्स वगैरह सेब वगैरह,
इस वजह से हम लोग बच जाते हैं और नीचे से आते हैं हम फिर घूम के प्रॉपर। पर अभी नहीं जा सकती, अभी मैं शॉर्टकट में ही जाऊंगी और फटाफट से दौड़ते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखो, ये ना यहाँ पर लहसुन की खेती की हुई है और अच्छी लगी हुई, इतनी ड्राइनेस में भी काफ़ी अच्छी लहसुन उगी हुई है इनकी, ये सारी की सारी देख सकते हैं आप। और मैं ज़्यादातर चप्पल पहन कर ही जाती हूँ खेत को, आजकल सर्दियों में डर नहीं होता सांप वगैरह का, तो जल्दबाजी में बस चप्पलों में। ये देखो गाइस, पहले जब किसी की डेथ हो जाती थी ना तो पत्थरों में उनके नाम से ऐसे फुट मार्क्स जो है उनके काव किए जाते थे। क्या आप लोगों के में भी ऐसा होता है? अब तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। पता है जब दादी थे तो उनसे हम पूछते थे, क्योंकि यार ऐसा कुछ देखा ही नहीं था और फिर लगता था कि ये क्या है, मतलब इट वॉज सो स्ट्रेंज। बचपन की बात बता रही हूँ, फिर घूमना फिरना जाना सब अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जाते हैं, तो दादी हमको बताते थे कि ऐसे ऐसे होता है। मतलब उनके बताने का मतलब होता था कि उनके नाम पर पैर छपवाते हैं, तो हमको क्या लगता था कि यार जब वो मर जाते होंगे फिर उनके पैरों को इसमें कैसे छापते होंगे। मतलब वो बोलते थे कि जो आदमी मर जाता है फिर उसके पैर यहाँ छाप देते हैं ऐसे। तो आई यूज़ टू थिंक यार जब वो मर जाएगा फिर क्या उसकी आत्मा आती होगी यहाँ पे खड़ी होके, फिर वो अपने पैर के मार्क्स लगाती होगी। मतलब आज मुझे ये चीज़ रिकॉल हुई क्योंकि मैंने भी ये छापा यहाँ पर देखा, तो सोचा मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ। और किसी के साथ ऐसा होता था कुछ? मतलब मुझे थोड़ा सा ऐसे होता था, आज तक भी थोड़ा सा तो लगता ही है। अभी जब मैं वो मार्क दिखा रही थी मुझे लग रहा था यार कोई खड़ा ना हो जाए यहाँ पर। तो कुछ आपकी बचपन की चीज़ें होती हैं जो आपके दिमाग में होती हैं और वो शायद बड़े तक भी आपके दिमाग में रहती है। ऐसा है क्या आप लोगों के साथ भी? प्लीज़ बताना ज़रूर। ये देखो जी, यहाँ पर ना बुल फाइटिंग हो रही है आजकल। बहुत सारे डंगर जो है वो निकलते हैं खेतों में, खाने को कुछ रह नहीं गया है। और सामने देखो इतने मोटे मोटे ऑक्स है ये, और लड़ रहे हैं। मुझे विकी ने बोला भी था कि डंडा लेकर जाइयो, और शायद इनको पता चल गया कि हमारे को कोई शूट कर रहा है और ये अब रुक गए। भाई काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो रही थी अभी इनकी। सी मतलब ये लड़ाइयाँ तो ना चली आ रही है इंसानों में, जानवरों में, सब जगह। देखो दो तीन है यहाँ पर इन दोनों में हो रही है जंग कि कौन बनेगा शहंशाह। ये देखो, पहले ये दो लड़ रहे थे, अब ये लड़ रहे हैं, और जनता भी आई है इनको देखने के लिए। एक मैं हूँ और एक बेचारी साइड में है। सी बड़े खूंखार है और एक साइड में खड़ा है, वो रहे मेरे से तो नहीं लड़ा जा रहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं लगी हूँ इनको उड़ाने और पता चले इन्होंने मुझे दौड़ा दिया। सी मोटे मोटे आ रही है, और अगर ये दौड़े ना मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी। भाई मैं नहीं छेड़ रही तुम्हारे को, और आगे भी किसी के प्रूनर्स लगे हुए हैं, तो अपा तो चले फटाफट से भागती हूँ, मेरा बच्चा छूट जाएगा अगर इन्हें मुझे मार दिया ना। सींग पर भी उछालेंगे बिल्कुल जैसे वो फॉरेन कंट्रीज़ में होते नहीं है। मुझे उस गेम का मतलब उस फेस्टिवल का नाम नहीं पता क्या होता है उसमें, वो लोग भाग रहे होते इतने सारे और पीछे से इनको छोड़ते हैं, वो कैसे उठा रहे होते हैं उनको, वो हो जाएगा मेरे साथ। देखो अभी भी देख रहा है, मैं काफ़ी ऊपर पहुँच गया हूँ, तो
उसको गुस्सा आ रहा होगा कि मेरी फिल्मिंग कर रही है। ये देखो कहाँ तक हमारी रोड मेटल हुई है, बस मेरे घर से नीचे थोड़े से, वहाँ से नीचे है कच्ची और भी, और ये भी इतनी अच्छे से नहीं है। देखो अभी मेटल हुई और बीच में से घास निकलना शुरू हो गया। ये हाल है हमारे रोड्स के। तो नीचे का तो इतना ज़्यादा नहीं होता, घर से ऊपर ऊपर तो विक्की झाड़ू मरवा देते कि थोड़ी तो चलेगी। अब पहुँच गई मैं घर के पास। यार थक जाते, अच्छा वर्कआउट हो जाता है, मैं सब तारू ना उठाओ और मैंने अपना बाकी का काम करना। पहुँच गई हूँ मैं, और ये देखो कितने सारे कपड़े धोए आज। थोड़े कल के भी हैं पर ये वाले तो आज के हैं सारे, और अब धोने हैं, दो और रह गए उसको करके फिर छुट्टी, फिर कल की तैयारी, कल करनी है सफाई। तो मिलते हैं जी, या मिलेंगे आपको जब में या उससे पहले। हाथ करवा के ऐसे मेरे साथ आ रहे हैं।